सबको इतनी खुशियां बख्शना, इतना कामयाब बनाना कि हर कोई मां के नाम की एक मिसाल बनाकर दुनिया को दिखाए। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। और आज 9 जनवरी 2024, आज 9 जनवरी 2024 ये नए साल का आज नौवां दिन, और इस दिन आज मां के दरबार में खड़ा होकर मां से यही प्रार्थना की जाती है कि मां सबके दुखड़े हरना, सबके कष्ट निवारण करना, सबको खुशियां बख्शना, और आने वाले दिन सबके लिए महारानी एक यादगार बनाना और सबको खुशियां देना। सब परिवार खुश रहें, और सबसे जरूरी आज के दिन बहुत ठंड है, तापमान जो है -6 पे जा रहा है, तो सब दोस्तों मित्रों को ये सलाह दी जाती है कि आप हमेशा सलामत रहें, खुश रहें और सर्दी से बचते रहें। तो महारानी आपकी हर मनोकामना पूरी करेगी और आपको मुंह मांगा बर फल वो माता रानी आपको देगी। और माता रानी सबके कष्ट निवारती है, सबके दुखड़े हरती है, सबका पालन करती है, तो वैसे ही आप हमेशा मां के आगे हाथ जोड़कर मां के चरणों में बैठकर कभी भी मां को भूलना नहीं। तो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो आज अभी हम माता रानी की ओर से माता रानी के आगे हाथ जोड़कर सब उन लोगों के लिए, सब उन बच्चों बूढ़ों के लिए वही प्रार्थना करेंगे कि सब लोग अपने किसी भी कार्य में हों, किसी भी काम काज में हों, जहाँ कहाँ भी हों, तो वो अपना कार्य इस नवे साल में इतनी बुलंदियों तक ले जाएं और इतना ऊंचा पहुंचे, तो ये माता रानी हमेशा आप लोगों को अपना आशीर्वाद देती है और दिया करेंगे। तो आप कभी भी जहाँ कहाँ भी खड़े होते हैं, मां के दरबार में खड़े होते हैं, तो आप अपने मन में कोई भी दिल का, कोई भी आपका मन में अगर कोई ख्यालात ऐसे होते हैं, कोई मन में कई अपराध कई पाप भी होते हैं, तो सबको भूलकर मां से यही अर्ज लगाना कि मां गलती से जो भी हुआ है उसको माफ करना, और आगे हमें इतनी सद्बुद्धि देना, इतनी सद्बुद्धि देना कि हम मुड़कर पीछे न देखें, भूलकर कोई गलती ना करें, और किसी गलती का हम कोई शिकार ना बने। तो माता रानी इतनी शक्ति देना, इतनी शक्ति देना।